हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मेरा नाम है रितिर। आप देख रहे हो कुछ नया सीखो देखते यार। जैसे कि इंटरफेस में देखिए कि मैं आज किस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ, तो टॉपिक भी बहुत मज़ेदार है क्योंकि इसमें मैं बताऊंगा आप लोग किस टाइप से आप लोग ओप्पो A13 फ़ोन में इंटरनेट स्पीड इंक्रीज़ कर सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए आप लोग को पहले 1 से 2 MB की स्पीड मिलती थी, वो अब 3 से 4 MB की अमूमन स्पीड मिल जाएगी एकदम 100% प्रूफ के साथ। तो अभी बिना ऐप के बताऊंगा आप लोगों को, क्योंकि इसमें ऐसी सेटिंग है जिसकी आप लोगों को शायद ही जानकारी नहीं होगी, जिसमें कि इंटरनेट स्पीड बढ़ती है ग्रुप के साथ। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले बता दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में न्यू तैयार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और जो भी डाउट्स हो कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बनाकर आपको स्क्रॉल कर दूंगा। और बेल के आइकन दबाना बोले जिससे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। और एक बात बताना चाहूँगा आप लोगों को कि आप लोग मेरी जो वीडियोज़ पर कमेंट्स थोड़ी गंदी गंदी कर रहे थे, तो मैं बताना चाहूँगा आप लोगों की यार लास्ट तक वीडियो देखकर समझिए, बाद में ये मत कहिएगा आप लोग मुझे और ना गाली दीजिएगा। तो इसके लिए मैं बता देता हूँ आप लोगों की लास्ट तक वीडियो देखिए और एकदम प्रूफ भी दिखा दूंगा मैं आप लोगों को। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देख सकते हैं आप लोग मेरे पास ओप्पो का A13 फोन है। जैसे कि मैं सेटिंग में दिखा देता हूं आप लोगों को, सेटिंग में जाते हैं हम अबाउट फोन में, ठीक है। अबाउट फोन में जाने के बाद दिखा देता हूं मैं आप लोगों को मेरा जो फोन है ओप्पो A13 फोन है। अब मैं डायरेक्टली बैक आ जाता हूँ। बैक आने के बाद सेटिंग में रहने देते हैं आप लोग इसको, और जो फोर्थ वाला ऑप्शन जो दिख रहा है डुअल सिम एंड क्लियर डाटा है, तो अपन इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद आप लोग को क्या करना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे आ गया SIM 1 एंड 2, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, जैसे कि अपने जो मैं जो इंटरनेट जो यूज़ करता हूँ वो SIM 2 में यूज़ करता हूँ। तो आप लोग 1 में करते हुए 2 में यूज़ करते होंगे, अमूमन सब में एक ही रहता है, तो मैं 2 में जो यूज़ करता हूँ तो 2 में क्लिक करता हूँ। अब 2 में क्लिक करने के बाद क्या करना पड़ेगा आप लोगों को, जैसे इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। 1 में भी इस टाइप का आएगा और 2 में भी, सब में वही इंटरफेस आएगा। जैसे कि यहाँ पे आ गया एक्सेस पॉइंट नेम, जो एक्सेस पॉइंट नेम दिख रहा है आप लोगों को फोर्थ वाला ऑप्शन में APN पे, इस पर अपन क्लिक करते हैं। इस पर अपन क्लिक करने के बाद कुछ हो जाएगा इस टाइप का इंटरफेस। तो मैं सिम यूज़ करता हूँ जियो की, तो आप लोग एयरटेल करते हो या अमूमन कोई भी सिम यूज़ करते हो, ऐसा कुछ नहीं रहता इसमें। जैसे मैं जियो यूज़ कर रहा हूँ, तो आप तो क्या करना पड़ेगा, जैसे कि गोल वाला जो बाजू में ऑप्शन दिख रहा है उस पर अपन क्लिक करेंगे, तो हमें बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं, तो उसमें से कुछ कुछ की जो सेटिंग है उसको अपन को अलग करना पड़ता है। तो सिम का तो कोई लेना देना नहीं इसमें, आप लोग कोई भी सिम यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो ऑप्शन दिख रहा है आप लोगों को दिख रहा है नेम का, नेम में जो इंटरनेट है उस पर अपन रहने देने का है, बाकी कोई सेटिंग को नहीं छेड़ना है। फिर यहाँ पे आ जाते हैं सर्वर पे, ठीक है। सर्वर पे अपन क्लिक करते तो यहाँ पे आप लोग इसमें नोट सेट रहेगा, तो आप लोग यहाँ पे लिखना पड़ेगा www.google.com, तो इस टाइप से आप लोग लिख लीजिएगा, फिर ओके कर लीजिएगा। फिर अपन थोड़ा नीचे आएंगे अपन लोग, फिर बाद में यहाँ पे APN प्रोटोकॉल, जैसे APN प्रोटोकॉल पे अपन क्लिक करते। अब यहाँ पे IPv4 रहेगा आप लोगों के फ़ोन में, तो जो लास्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है IPv6, इस पर अपन क्लिक कर लेंगे। फिर APN रोमिंग प्रोटोकॉल, तो इस पर अपन क्लिक करते। अब यहाँ पे भी आप लोगों को IPv6 पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अब मेन जो ऑप्शन रहता है इसका बैरियर वाला, बैरियर जो ऑप्शन पे क्लिक करते तो आप लोगों के रहेगा फ़ोन में अनसर्टिफाइड, तो इस पर अपन को क्या करना पड़ेगा LTE पे क्लिक करना पड़ेगा। अब जो कि पूरी सेटिंग अपन ने चेंज कर लिया, अब क्या करना पड़ेगा आप लोगों को ओके पे क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। ओके पे क्लिक करने के बाद कुछ यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे आर एस और टू सेव, तो अपन यहाँ पे ओके कर लेते, पूरी प्रोसेस आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अभी जो मेरे से जियो स्पीड जैसे 0 0 थी, अभी थोड़ी बढ़ रही है क्योंकि धीरे धीरे स्पीड बढ़ती है। जैसे कि मैं यूट्यूब पे दिखा देता हूँ आप लोगों को, जो मेरी स्पीड है वो धीरे धीरे बढ़ते जाएगी, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। जैसे कि अभी 0 स्पीड थी मेरी, अब वो धीरे धीरे बढ़ रही है, तो कुछ सेटिंग्स आप लोगों को फॉलो करना है, जिससे कि आप लोगों की सेटिंग जो स्पीड है वो आप लोगों की इंक्रीज़ होती जाएगी एकदम। तो जैसे अभी 1-2 घंटे बाद आपकी जो स्पीड है वो थोड़ी इंक्रीज़ होती जाएगी, थोड़ा नेटवर्क की भी प्रॉब्लम है, इसलिए माफ़ी चाहूँगा मैं। तो जैसे कि अभी तो 0 KB दिख रही थी आप लोगों को, वो काफ़ी इंक्रीज़ हो चुकी है। एक बार फिर से बैक आ जाता हूँ मैं, जैसे कि यूट्यूब अभी तो नहीं खुल रहा है क्योंकि मेरा जो 1.5 GB डाटा था जियो का वो ख़त्म हो चुका है, तो मेरा 2G में चल रहा है शायद। तो जैसे मैं फिर से यूट्यूब पर जाता हूँ, जैसे 0 0 KB था थोड़ा बहुत तो बड़ा स्पीड, तो इस टाइप से आप लोग भी इंक्रीज़ कर सकते हैं स्पीड को, तो धीरे धीरे स्पीड बढ़ते जाएगी आप लोगों की एकदम 100% प्रूफ के साथ। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। यार वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, जो भी डाउट होगा कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले, मैं उस पर वीडियो बनाने वाला उसके लिए कर दूंगा। और बेल का आइकन दबाना ना भूले जिससे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। जय माता दी।